इस वीडियो में जून में आने वाले टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे। वैसे सबसे पहले बता दूं, जो मई का महीना था ना, बहुत ही तगड़े तगड़े स्मार्टफोन्स लॉन्च हो गए और 15,000 के अंदर यार 5G भी हमें देखने के लिए मिला रियलमी की तरफ से। अभी बताया जा रहा है जो जून का महीना आने वाला है दोस्तों, जून के महीने में आपको कुछ 15,000 से भी नीचे 5G स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलेंगे इंडिया में। कौन से वो स्मार्टफोन्स रहेंगे, कैसे रहेंगे, कितना प्राइस में आएगा, सारा चीज इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं दोस्तों। जी हां, इस वीडियो में बात करेंगे जून में आने वाले अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में। वैसे वीडियो शुरुआत करने से पहले मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आपको भी ऐसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी हर महीने में हम लोग अपकमिंग वीडियोस के बारे में अपलोड करें कोई नए वीडियो। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं दोस्तों नोकिया से। नोकिया इंडिया में जून के महीने में 3 स्मार्टफोन्स कंफर्म लॉन्च करने वाला है। नोकिया जी सीरीज में G10, G20 एंड सी सीरीज में C30 नाम से ऐसे 3 स्मार्टफोन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। उनमें से दोस्तों जी सीरीज के जो 2 स्मार्टफोन्स रहेंगे, वहां पे आपको स्नैपड्रैगन 480 सीरीज का 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जो कि हमें ओप्पो A74 5G में देखने के लिए मिलता था। साथ ही साथ दोस्तों नोकिया का जो C30 आएगा, ये भी एक ब्रांड न्यू डिवाइस रहेगा नोकिया का। और बताया जा रहा है दोस्तों ये जो स्मार्टफोन्स आने वाले हैं नोकिया सी सीरीज के, यहाँ पे आपको 6000 एमएच का बड़ा बैटरी भी देखने के लिए मिल सकता है। अभी दोस्तों ये जो 3 स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, अगर अच्छे खासी प्राइस टैग में नोकिया इनको लॉन्च कर दे तो अच्छा रहेगा। बताया जा रहा है दोस्तों जी सीरीज में आपको 64 मेगापिक्सल कैमरा, हायर रिफ्रेश रेट वगैरह भी देखने के लिए मिलेगा। उनके लिए ये नोकिया का गेमिंग स्मार्टफोन्स है, लेकिन हमारे लिए क्या है मालूम नहीं। देखते हैं दोस्तों नोकिया किस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च करते हैं। वैसे उनका प्राइस बहुत ही हाई चला जाता है, अगर ठीक ठाक प्राइस रेंज में लॉन्च कर देता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इन्फिनिक्स भी दोस्तों अपना 2 स्मार्टफोन इंडिया में जून के महीने में लॉन्च करेगा, मे बी जून के फर्स्ट वीक ही पकड़ लीजिए। इन्फिनिक्स नोट 10 सीरीज में आपको 2 स्मार्टफोन्स मिलेंगे, नोट 10 एंड नोट 10 प्रो। ये जो दोनों स्मार्टफोन्स आएंगे दोस्तों, दोनों में ही आपको 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलेगा, हीलियो G90T प्रोसेसर, 33 वाट चार्जर, एंड्रॉइड 11 ऐसे कुछ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन्स में आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। इसके ऊपर दोस्तों मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया, अगर आपने अभी तक नहीं देखा आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो इन्फिनिक्स 2 स्मार्टफोन ला रहा है अपने इन्फिनिक्स नोट 10 सीरीज के अंदर। सैमसंग भी दोस्तों अपने 3 स्मार्टफोन लॉन्च करने के लिए रुका हुआ है, उनका प्लानिंग वगैरह चल रहा है। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है दोस्तों सैमसंग के एम सीरीज में M22 आने वाला है, उसके बाद A22, साथ ही साथ गैलेक्सी F52 नाम का 5G स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहां पे जो बताया जा रहा है दोस्तों गैलेक्सी M22 जो रहेगा, वो दोस्तों आपको A22 का रिबैंड वर्जन देखने के लिए मिल जाएगा। कुछ अलग से स्पेक्स आपको इसमें थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ यहां पे जो गैलेक्सी A22 है, वहां पे दोस्तों आपको सबसे सस्ता 5G देखने के लिए मिलेगा इस वाले A सीरीज के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों जो गैलेक्सी F52 है, वहां पे दोस्तों बताया जा रहा है स्नैपड्रैगन 750G वाला प्रोसेसर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तीनों स्मार्टफोन्स दोस्तों सैमसंग के बहुत ही जल्दी आपको जून के महीने में लगभग देखने के लिए मिल जाएंगे। देखते हैं दोस्तों जून के किस तारीख को इसको लॉन्च किया जाता है और सारे स्मार्टफोन्स का प्राइस कितना हद तक सैमसंग रखता है, वो तो आने के बाद ही दोस्तों आपको पता चल जाएगा। मोटोरोला भाई साहब भी दोस्तों अपना रोला करने के लिए स्टार्ट हो चुका है। इंडिया में जून के महीने में मोटोरोला की तरफ से 2 स्मार्टफोन्स आपको कंफर्म देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है जो चाइना में लॉन्च हुआ था, मोटोरोला का HS जो था, वो दोस्तों रिब्रांड होकर इंडिया में आपको मोटो G100 के नाम से देखने के लिए मिलेगा। कुछ स्नैपड्रैगन 870 का प्रोसेसर रहेगा, 25,000 के नीचे दोस्तों ये आपको इंडिया में देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ मोटो G20 नाम से भी एक अफोर्डेबल स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेगा। बताया जा रहा है 10,000 के नीचे इसका प्राइस रेंज रहेगा और अच्छे खासे स्पेक्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब देखते हैं दोस्तों मोटोरोला किस प्राइस सेगमेंट में मोटो G100 को लॉन्च करता है। ओवरऑल दोस्तों 2 स्मार्टफोन आपको मोटोरोला की तरफ से इंडिया में जून के महीने में देखने के लिए मिल जाएंगे। OnePlus भी अपना एक स्मार्टफोन इंडिया में जून के महीने में लॉन्च करेगा, कंफर्म हो चुका है दोस्तों। OnePlus की तरफ से OnePlus का जो Nord N2 नाम से एक स्मार्टफोन आने वाला था बताया जा रहा था, अभी दोस्तों इसका नाम थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, OnePlus Nord CE नाम से ये आएगा। और बताया जा रहा है Dimensity 1200 सीरीज का आपको प्रोसेसर भी इस वाले स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं दोस्तों OnePlus Nord CE कितना हद तक प्राइस में आता है और क्या क्या और स्पेक्स इसमें रहता है। ओप्पो भी दोस्तों अपना रेनो 6 सीरीज लॉन्च करने वाला है इंडिया में जून के महीने में। ओप्पो रेनो 6 सीरीज के अंदर आपको कुल मिला के 4 स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलेंगे। बताया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे आपको Dimensity 1200 सीरीज वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले, हायर रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलेगा, ऑब्वियसली स्लिम बॉडी के साथ आएगा। और ओप्पो रेनो सीरीज के अंदर आपको पीछे वाला जो डिजाइन मिलता है बहुत ही अच्छा मिलता है, कुछ डायमंड्स टाइप के शेप के साथ आएगा। और दोस्तों एक चीज बता दूं, ओप्पो रेनो 5 प्रो का अनबॉक्सिंग हमने ऑलरेडी कर दिया, अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया आई
डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हो। अभी आते हैं कुछ सीरियस स्मार्टफोन्स में। आई मीन यहाँ पे जो स्मार्टफोन्स के बारे में बताऊंगा कन्फर्म 110% इंडिया में आपको जून के महीने में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले रियलमी के बारे में बात करते हैं। रियलमी अपने बहुत ही सारे स्मार्टफोन्स लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि जून के महीने में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलमोस्ट ये जो स्मार्टफोन्स थे आपको मई के लास्ट महीने में ही देखने के लिए मिलने वाला था, लेकिन जून के महीने में इसको पोस्टपोन कर दिया गया दोस्तों। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है रियलमी की तरफ से आता है रियलमी X7 मैक्स 5G, जो ये था दोस्तों रियलमी GT Neo का रिबैंड वर्शन, ही आप पकड़ के रखिए। और इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया, अगर आपने नहीं देखा इसके बारे में जानना चाहते हो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हो। Dimensity 1200 सीरीज का इंडिया का सबसे पहला स्मार्टफोन ये होकर आएगा दोस्तों। इसके बाद जो स्मार्टफोन है दोस्तों रियलमी की तरफ से आता है रियलमी नार्जो 30, जो दोस्तों रियलमी नार्जो 30 सीरीज में नहीं आया था, उसको दोस्तों रियलमी इंडिया में जून के महीने में लॉन्च करने वाला है। वैसे ये 4G स्मार्टफोन होगा, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, अगर आप जानना चाहते हो आपको मिल जाएगा आई बटन में लिंक, आप जाके देख सकते हो। इसके बाद रियलमी GT दोस्तों आपको इंडिया में जून के महीने में देखने के लिए मिल जाएगा, एंड्रॉइड 12 के साथ जो बीटा आएगा रियलमी GT में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और माधव शेठ जी यहाँ पे ट्वीट भी कर रहे थे इसके बारे में, तो जून के महीने में कंफर्म रियलमी GT आपको देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ रियलमी C सीरीज का और भी एक स्मार्टफोन आपको इंडिया में जून के महीने में देखने के लिए मिलेगा, रियलमी C25S नाम से ही आ रहा है दोस्तों। मेरे को नहीं लगता इस वाले स्मार्टफोन को लाना चाहिए, देखते हैं कैसा होता है। वैसे एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का एडिशन भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। रियलमी की तरफ से कुल 4 से 5 स्मार्टफोन आपको इंडिया में जून के महीने में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों शाओमी के बारे में बात कर लेते हैं। शाओमी भी अपना नोट 10 सीरीज को लाने वाला है दोस्तों इंडिया में, जो रेडमी नोट 10 सीरीज है। और यहाँ पे दोस्तों रेडमी 10 सीरीज के अंदर आपको कुछ 4 से 5 स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलेंगे। वैसे पिछले वाला जो 9 सीरीज था मैं बहुत ही घबरा गया था, इतना नाम था यार पता भी नहीं चल रहा था। देखते हैं दोस्तों बहुत ही सारे स्मार्टफोन रेडमी की तरफ से भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे कंफर्मेशन थोड़ा कम है रेडमी का, देखते हैं दोस्तों जून के महीने में क्या होता है। अभी दोस्तों पोको के बारे में बात कर लेते हैं। पोको दोस्तों अपना 2 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर सकता है जून के महीने में। अब जून के महीने में तो कंफर्म आपको पोको MT Pro 5G देखने के लिए मिल जाएगा। और दोस्तों ये बताया जा रहा है ये इंडिया का दोस्तों सबसे दोस्तों चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन होकर आएगा। फिलहाल अभी के लिए रियलमी 8 5G दोस्तों इंडिया का सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन आपको 15,000 के नीचे देखने के लिए मिलता है। अभी ये बताया जा रहा है दोस्तों पोको का जो MT Pro 5G आएगा वो दोस्तों आपको जो कि मीडियाटेक 700 5G प्रोसेसर के साथ आया था रियलमी 8 5G, वैसा ही सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको और भी चीपेस्ट रेट में दोस्तों पोको वाले आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अब देखते हैं दोस्तों इंडिया में अभी तो दोस्तों जो चीपेस्ट 5G है वो रियलमी 8 5G है। वैसे जून के महीने में आपको और भी सस्ते में 5G स्मार्टफोन्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों पोको की तरफ से। इसके बाद पोको F3 GT आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब देखते हैं दोस्तों पोको वाले क्या करते हैं, 2 या 3 स्मार्टफोन्स तो आपको पोको की तरफ से ऑब्वियसली देखने के लिए मिल जाएंगे। और हाँ पोको UI का भी दोस्तों बातचीत निकल के आ रहा है, इसके बारे में वीडियो ऑलरेडी बना दूंगा, नो टेंशन। वीवो की तरफ से खबर निकल के आ रहा है, वीवो अपना एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है 5G स्मार्टफोन। और वीवो V21 सीरीज तो आपने देखे होंगे वो 5G स्मार्टफोन्स थे, इसका ही लाइटर वर्शन वीवो V21e नाम से एक स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो स्मार्टफोन्स है दोस्तों अफोर्डेबल स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडिया के मार्केट में। वैसे 5G स्मार्टफोन्स रहेंगे, देखते हैं दोस्तों लॉन्च होने के बाद इसका प्राइस वाइज सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। आईकू के बारे में दोस्तों बात करते हैं। आईकू भी अपना 2 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर सकता है। सबसे पहला जो स्मार्टफोन है कंफर्म आपको देखने के लिए मिल जाएगा जून के 1 से 10 तारीख के अंदर। और ये जो स्मार्टफोन है आईकू G3 नाम से आएगा दोस्तों। आईकू G3 जो स्मार्टफोन है पहले ही दोस्तों चाइना में लॉन्च हो चुका था। और ये जो स्मार्टफोन था दोस्तों स्नैपड्रैगन 768G के साथ लॉन्च हुआ था, हायर रिफ्रेश रेट, बड़ा बैटरी, बहुत ही सारे चीज दोस्तों आईकू ने डाला था इसके अंदर। इंडिया में दोस्तों बताया जा रहा है 20,000 के नीचे ये जो स्मार्टफोन है 5G स्मार्टफोन आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ही तगड़े स्मार्टफोन्स रहने वाले हैं। मैं ज्यादातर इंटरेस्टेड हूं आईकू Z3 सीरीज के ऊपर। वैसे आप कौन से वाले स्मार्टफोन्स के ऊपर ज्यादा इंटरेस्टेड हो, डू लेट अस कमेंट सेक्शन बिलो। इसके बाद दोस्तों आईकू का जो 7 लाइट है ये भी दोस्तों कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन आ सकता है जून के महीने में इंडिया में। देखते हैं दोस्तों आईकू की तरफ से 2 से 3 स्मार्टफोन आपको ऑब्वियसली देखने के लिए मिल जाएगा जून महीने के अंदर। इसके बाद दोस्तों कुछ देसी स्मार्टफोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है दोस्तों माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स के आपको 2 या 3 स्मार्टफोन्स इंडिया में दोस्तों जून के महीने में देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले तो माइक्रोमैक्स का जो CEO था राहुल शर्मा जी ने बता दिया था हम 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च करने वाले इंडिया में जून से ही स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ बताया था। सही समय देख के ये लोग लॉन्च करेंगे। मेरे को नहीं लगता दोस्तों जून के महीने में आपको 5G देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी तो इंडिया में जो स्पेक्ट्रम है यही खाली स्टार्ट हुआ है। और दोस्तों देखा जाता है 5G जब आएगा उसके बाद तो माइक्रोमैक्स की तरफ से आपको ऑब्वियसली देखने के लिए मिल जाएंगे। गुड स्टार्ट किया था माइक्रोमैक्स ने, मैं अभी भी अप्रिशिएट हूं माइक्रोमैक्स के साथ, अच्छे काम कर रहे हैं ये लोग।
लेकिन जून के महीने में दोस्तों आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से हायर रिफ्रेश रेट के साथ एक स्मार्टफोन तो देखने के लिए मिल ही जाएगा, जो माइक्रोमैक्स इन नोट वन प्रो नाम से आएगा और इसके बारे में बहुत ही चर्चे चल रहे थे। देखते हैं दोस्तों, दिन आने पे ही आपको पता चल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको लावा की तरफ से भी एक से दो स्मार्टफोन इंडिया में देखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे लावा तैयारी कर रहे हैं कुछ नए चीज के लिए, आने के बाद ही दोस्तों आपको पता चल जाएगा इसके बारे में डेडिकेटेड सब कुछ। तो ये थे दोस्तों सारे अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि जून के महीने में 2021 में आपको देखने के लिए मिलेगा इंडिया के अंदर। सारे यहाँ पे कंफर्म स्मार्टफोन्स के बारे में बता दिया। वैसे आपको ये सारे स्मार्टफोन्स अगर झूठ लगता है तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं सारे यहाँ पे कंफर्मेशन लेने के बाद कंपनी से बातचीत करके उसके बाद ही दोस्तों ऐसा एपिसोड बनाता हूँ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना और मन में कोई भी सवाल आप लोग कॉमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल कोई भी कॉमेंट है आप कॉमेंट करके बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ और एक लेटेस्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।